हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी इज द पार्ट फॉर अन अकेडमी। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का नादी गौतम, इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो आज जो ये वाला अपना सेशन है भाई, एक स्पेशल सेशन है। जो कल का आपका 7 मार्च का एग्ज़ाम हुआ था, उसके शाम तक थोड़ा लेट तक क्वेश्चन आए थे। वैसे तो लास्ट मैं स्टूडियो में कल था, बट उस टाइम तक सारे क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, कुछ क्वेश्चन फिर भी रह गए हैं। तो आप लोग भेज देना वो बचे कुछ क्वेश्चन को, हम किसी न किसी क्लास के थ्रू करा देंगे। अभी उसका एक एनालिसिस है, जैसे मैंने पहले भी 3-4 दिन का एनालिसिस आप लोगों को दिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं बेटा, उसी के बेस पर हम लोग ये बनाते हैं। तो पहला लिखा है वीज़ा, ये मैंने 2 दिन पहले क्लास में कराया था और अब आ गया कि वीज़ा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वीज़ा के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है पीवी संधु। कौन है? पीवी संधु। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? एक नहीं, मैंने कम से कम 10 बार बताया आप लोगों को। ये हिस्ट्री जब पढ़ा रहा था तब भी बताया था, करंट में भी पढ़ाया था। तो ये होता है 9 जनवरी को। पहली बार जो हुआ था, फर्स्ट टाइम, ये आपका हुआ था कब? 2003 में। 2003 से लेकर 2015 के बीच, 2015 के बीच में एनुअली होता था, एवरी ईयर होता था। महात्मा गांधी इसी डेट को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, उन्हीं की याद में किया जाता है। 2015 के बाद ही मैंने आपको बताया हुआ है, 2017 में हुआ और 17 के बाद 19 में हुआ। मोदी जी ने कहा था कि ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, हर 2 साल के बाद करेंगे। तो मेन कारण क्या है? खर्चा भी बचेगा। बच्चे बोलते हैं कितना स्वागत करोगे, क्या करें भाई, स्वागत तो करना ही पड़ता है ना। तो 2015, 17, 19 वाला जो है लेटेस्ट, वो कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहला वाला जो था, फर्स्ट वाला, वो न्यू दिल्ली में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। NRI डे भी बोल सकते हो आप लोग इसको। क्या बोल सकते हो? प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे। मैंने बोला था डे का एक क्वेश्चन आएगा, आ रहा है एग्जाम में, है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। क्योंकि जो हमारे गांधी जी हैं वो एक तरह से इसी हालत में हो गए थे। गांधी जी 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका, है ना, और वापस आए थे 9 जनवरी। हालांकि बीच बीच में कभी कभी आ जाते थे, 9 जनवरी 1915 को वापस रिटर्न। तो उसी की याद में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका, ये भी कल बताया था, पर मैंने कल आधा क्वेश्चन इसमें से बताया था, लेकिन अगर आपने ध्यान से किया हो तो पूरा हो जाएगा। क्या बताया था? कल नहीं, परसों शायद क्लास में, किसी क्लास में बताया है, कल परसों में ही, मतलब 7 तारीख से तो पहले ही बताया था। धुआंधार जलप्रपात या कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन ये था, जबलपुर एक्चुअली आया था कि जबलपुर में कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, क्वेश्चन इस तरह से बना था। तो ये हमने बात की थी कि भाई जबलपुर में जो नदी है, जो जबलपुर की जो रिवर है, जो नदी है, वो कौन सी है। मतलब मैंने आपको रिवर साइड सिटी बताया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो नदी है, उस नदी का नाम है क्या? उस नदी का नाम है नर्मदा, ठीक है ना। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है नर्मदा। चलिए बढ़ते आगे। जबलपुर पता है ना कहाँ है? हाँ हाँ, जबलपुर MP, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी है वहाँ पर। तो धुआंधार उसका नाम है, यही है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद आता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर प्राइज कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्टली वैसे तो 6 क्षेत्र है, लेकिन मेन जो इसका है वो समाचार पत्र लिख रहा है। तो मतलब क्या है? वो जर्नलिज्म के लिए मिलता है, पत्रकारिता के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? जर्नलिज्म के लिए मिलता है। अमेरिका की एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो देती है। 1917 में स्टार्ट हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो कहता है क्या कि वेयर वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1920। तो 1920 में, मुझे ये नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा आया था, बच्चे ने यही भेजा मेरे को क्वेश्चन, कह रहा था सर जो क्वेश्चन है वो है आपका 1920 में सेशन कहाँ हुआ, ये आया था। अब दिक्कत है, 1920 में 2 सेशन हुए हैं, 2 अधिवेशन हुए, एक तो जो नॉर्मली एनुअली जो होता ही था कांग्रेस पार्टी का, तो वो हुआ था 35वां सेशन 1920 में हुआ, चेयरमैन थे वीर राघवाचार्य, या वी लिखा मिलेगा या वीर लिखा मिलेगा, वी है वैसे, वीर राघवाचार्य। नागपुर में सेशन हुआ था 1920 वाला। इसी ईयर में एक स्पेशल सेशन हुआ है कलकत्ता में, जिसके चेयरमैन थे लाला लाजपत राय। तो अब देख लेना आप कौन सा सेशन दे रखा है, स्पेशल के सेशन के चेयरमैन लाला लाजपत राय, और जो वैसा सेशन था उसके थे राघवाचार्य, ठीक है ना। वो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। 2 स्पेशल सेशन हुए हैं भाई, 2 स्पेशल सेशन हुए हैं, 2। किसके स्पेशल? मतलब एनुअली के अलावा जो होता है विशेष सत्र कभी कभी बुलाया जाता था, तो एक तो यही वाला है, ये जो लाला लाजपत राय वाला,
और एक हुआ 1923 वाला, ये जीवन में मत भूलना। 1923 में हुआ था दिल्ली में, क्योंकि उस टाइम पर दिल्ली का नाम न्यू दिल्ली नहीं था, दिल्ली था। इसके जो चेयरमैन थे वो थे मौलाना अबुल, ये इंपॉर्टेंट है, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दिल्ली में शासन हुआ और ये यंगेस्ट थे इस टाइम पर, अबुल कलाम, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद। जो प्रेसिडेंट साहब थे वो हमारे दूसरे हैं, ये पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं 1923 में, वो तो हमने लिख दिया, चलो 1923 तो और कुछ लिख लेते हैं, तो ठीक। ये क्या थे, यंगेस्ट, क्या थे ये, यंगेस्ट, सबसे युवा आ सकता है, सबसे युवा, और इनका एक टेनर सबसे बड़ा भी है, लंबा भी, ठीक है ना। जबकि 1940 से लेकर 1945 तक भी है ये लॉन्गेस्ट टेनवर है इनका, तो दो बार ये रहे यहाँ पर, लगातार 6 साल के लिए रहे थे। ये रामगढ़ में सेशन हुआ था, 1940 से 45 के बीच में कोई सेशन हुआ नहीं, एक ही सेशन हुआ था, तो लगातार यही कंटिन्यू करते रहे, तो दो अलग अलग पॉइंट की बात कर ली हमने। लेंस जो होता है, लेंस उसकी जो शक्ति है 2.5D है, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो डी का मतलब क्या है, डायोप्टर होता है, डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डायोप्टर होता है मेजरमेंट के लिए। ATM की फुल फॉर्म में टी पूछा गया है क्या होता है, अगर पूरा भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है, तो टी मतलब टेलर हो गया, टेलर कपड़े बनाने वाला नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, ये भी मैंने दो दिन पहले ही बताया आपको, अनुच्छेद नंबर 19 में 6 टाइप की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, उसके अलावा क्या, वन लाइनर में कराया था ये क्वेश्चन, उसके अलावा क्या, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, असेंबल होने की, सभा करने की स्वतंत्रता, है ना, उसके अलावा क्या, घर बनाने की स्वतंत्रता, जॉब करने की स्वतंत्रता, कोई एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब कुछ आता है। एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा, ये मैंने ये भी आपको बताया था, है ना, रोहतांग दर्रा है, उसका नाम सेतु चेंज भी कर दिया था रोहतांग का नाम, लेकिन दर्रा ही अलग है, मतलब पास ही अलग है, तो रोहतांग पास भाई हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कोशिका का जो अध्ययन होता है साइंस में, जो सेल का स्टडी होता है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं उसको, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी उसको कहते हैं भाई, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द टाइम ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज, जो शिवाजी हुए मराठा साम्राज्य के संस्थापक, अभी तानाजी एक मूवी आई है इसलिए हाईलाइट हुआ है क्वेश्चन और ज्यादा, तो उनके जो मंत्री मेन होते थे, जो कमांडर वगैरह होते थे, उनको क्या नाम देते थे, अष्ट प्रधान उनको कहते थे, उसमें 8 लोग हुआ करते थे, उसी में एक पेशवा होता था, बाद में वो बाजीराव वगैरह उसी पोस्ट पे आए थे। सीके नायडू जो सम्मान है वो किसको मिला है, तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को मिला है, अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसका मतलब क्रिकेट से रिलेटेड है ये, है ना, वही के श्रीकांत। इंसुलेटर के उदाहरण में क्या है, अब पता नहीं क्या उसमें पूछा गया था, तो भाई इंसुलेटर के उदाहरणों में प्लास्टिक, स्टायरोफोम, पेपर, रबर, है ना, ग्लास, शुष्क वायु शामिल है, उसमें से जो रहा हो वो एक बार देख लेंगे आप लोग। व्हाट इज द यूज्ड टू रिमूव, व्हाट इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीन स्टेन फ्रॉम ग्लास, जो कांच होता है उस पर जो हरे हरे दाग लग जाते हैं उसको हटाने के लिए कौन सी चीज को यूज करते हैं, MnO2, किसको करते हैं, MnO2 को करते हैं, है ना, हाँ, किसको करते हैं, MnO2 इसको करते हैं, तो ये बता दो मेरे को ये होता क्या है, MnO2 जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड, सही बात है, मैग्नीज ऑक्साइड ही तो होता है, ये जो आपका होता है क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा, वैसे तो मैग्नीज डाई, डाई मतलब दो, ऑक्साइड के दो है ना भाई ऑक्सीजन के, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। चलो नेक्स्ट आता है, कौन सा अनुच्छेद किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता से संबंधित है, 25 से लेकर 28 तक है, अब उसमें देख लेना कौन सा मेंशन किया गया था, अगर टैक्स वाला दे रखा है तो 27 है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जिरकोनियम का परमाणु भार क्या है, जिरकोनियम जो होता है उसका परमाणु भार होता है 91.22, हो सकता है ऐसा आया भी हो सकता है ना भी आया हो, वैसे आना तो चाहिए अगर दिया है तो बच्चे ने। लिपुलेख जो दर्रा है ये कहाँ है, शायद ऐसा नहीं था क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि 4 आपको पास दे रखे थे, उनमें से शायद एक मैच नहीं कर रखा था, है ना, उनमें से एक जो था वो मैच नहीं कर रखा था, बाकी सब कर रखे थे मैच, तो मतलब बाकी सब में रॉन्ग कौन सा है, ऐसे शायद पूछा गया होगा, तो भाई जो लिपुलेख पास है वो आपके उत्तराखंड में, अब वो देख लेना बाकी क्या था।
नेक्स्ट इसके बाद में आता है हु वन द FIH एथलीट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड. तो रानी रामपाल है, उन्होंने इसको जीता FIH एथलीट का अवार्ड. हु इज द राइटर ऑफ द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर. ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा साहब हैं, उनके पिता के कुछ सपने थे. कहते ना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, है कि नहीं. हाँ, तो उनके पापा ने कोई ना कोई सपने देखे होंगे. हर माँ बाप कोई ना कोई सपने देखते हैं. आमिर खान के माँ बाप ने भी देखा था, इसीलिए गाना गा डाला भाई ने, है कि नहीं. तो वो है आपका, तो आप लोग भी सपनों को पूरा कीजिए. उन्होंने तो प्रेसिडेंट बन के सपने को पूरा किया, समझ रहे हो ना. सपना पूरा करो, कम से कम मेरा ही सपना पूरा कर दो. मेरा सपना ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए. चलिए बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है आपका, लिखा हुआ है मणिपुर. क्या लिखा है मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें ये पूछा था लाई हरोबा. ये भी मैंने कराया आपको, सैटरडे वाली क्लास में कराया था या संडे वाली में कराया था. लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में. व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, 25 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया था. इसीलिए 25 जनवरी का दिन आपका जो होता है वो क्या होता है, नेशनल, भारत का क्या होता है, नेशनल इलेक्शन डे, चुनाव का दिन होता है, इलेक्शन डे, ठीक है ना, राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस. बल्कि इलेक्शन डे ना कहें तो ज्यादा अच्छा है, वोटर डे कहें इसको, है ना. इसको हम क्या कहें, वोटर डे होता है बेटा, ये नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो शुरू किया गया था आपका 2011 से. पप्पू का डांस दिखाते हैं उसमें, एक बावला सा लड़का आता है, सारे काम करता है और फिर उसको डांस करता हुआ भी दिखाते हैं. 25 जनवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं. 342, 372, 376 ये आर्टिकल 15, 19, 85, 87 पहला अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन था. अब इन सब में अमेंडमेंट किया गया, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा. फिर लिखा भाई 31A और 31B में शामिल किया गया, और अनुसूचित 9 को भी शामिल किया गया. किससे, आर्टिकल सॉरी अनुच्छेद अमेंडमेंट नंबर 91 में जो हुआ था, पहला था उसके द्वारा, पहली अनुसूची इसी में शामिल की गई थी जो भूमि सुधार से रिलेटेड है. जो किससे रिलेटेड है, भूमि सुधार से रिलेटेड है, है कि नहीं. श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या है, जी राजपक्षे. ये दो बार आ गया मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले दिन भी बच्चों ने भेजा था ये, या उस दिन पीएम आया होगा शायद. तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, है ना. कहाँ पर हुए थे, लंदन में हुए थे. तीन हुए थे, पहला वाला जो हुआ था भाई RTC वो 1931 में हुआ था, दूसरा वाला जो हुआ था 31 में हुआ था, तीसरा वाला जो हुआ था वो 32 में हुआ था. इसमें से जो दूसरा है, सेकंड है, उसमें INC कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी जी और नायडू, सरोजनी नायडू, उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, सरोजनी नायडू और गांधी जी ने, सेकंड वाले में ओनली. और पहले और तीसरे का बहिष्कार किया था. अंबेडकर साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में किया था. अंबेडकर साहब ने किसमें किया था, ऑल थ्री में पार्टिसिपेट किया, ठीक. फिर आता है 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी आया है क्वेश्चन आपका, गुवाहाटी में किया गया था. कहाँ पर किया गया था, गुवाहाटी में किया गया था, टॉप पे इसमें महाराष्ट्र में महाराष्ट्र था, दूसरे नंबर पर इसमें हरियाणा था, तीसरे नंबर पर दिल्ली था. दिल्ली पहले में भी तीसरे पे, दूसरे में भी तीसरे पे, और तीसरे में भी तीसरे पे. पहला वाला जो हुआ था आपका वो हुआ था 17 में, दूसरा नहीं, पहला हुआ था 18 में, दूसरा 19 में, तीसरा 20 में, जनवरी में होता है. 20 वाला गुवाहाटी में हुआ है, 19 वाला पुणे में हुआ था, 18 वाला मतलब पहला वाला दिल्ली में हुआ. पहला दिल्ली, दूसरा पुणे, तीसरा कहाँ, गुवाहाटी. पहले में टॉप पे हरियाणा, मतलब पहला रैंक हरियाणा का, दूसरा नंबर महाराष्ट्र का, तीसरा दिल्ली का. दूसरा और तीसरा दोनों में महाराष्ट्र टॉप पे है और हरियाणा सेकंड नंबर पे है, और दिल्ली अपना स्थान बरकरार रखते हुए तीसरे नंबर पे है, ठीक. उसके बाद आता है 1857 में इनमें से कौन था जिसने भाग नहीं लिया. अब उसमें आप नाम चेक कर लेना, बहुतों ने किया है उसमें भाग जो लिया है. बेगम हजरत महल ने भी लिया है, कुंवर सिंह ने भी लिया है, बहादुर शाह ने भी लिया है, लेकिन भगत सिंह साहब ने नहीं लिया. इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था भगत सिंह साहब का, तो है कि नहीं. बहादुर शाह थे, मंगल पांडे थे, अब आप नाम देख लेना कौन कौन से दे रखे हैं, है ना. मंगल पांडे थे, लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे थे. अब उसमें आप चेक कर लेना कौन सा दे रखा था, कौन सा नहीं दे रखा था, तात्या टोपे. उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक. नाना साहब थे, नाना साहब का जो रियल नेम है, नाना साहब का जो रियल नेम है वो था धोंदू पंत, धोंदू पंत, भोंदू नहीं, धोंदू. और जो
तात्या टोपे हैं, उनका जो रियल नेम है वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग या पांडे। फिर आता है आपका खानवा की जो लड़ाई है, हाँ हैप्पी होली तो है ही, खानवा की जो लड़ाई है वो आपकी 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी। 1927 में किसके बीच में हुई थी, एक तरफ था बाबर और एक तरफ थी कौन, राणा सांगा। मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, हार गए थे, धोखे से हरा दिया गया था। उनके कई सारे लोग थे जो बाबर से जाके मिल गए थे, ठीक है। पहले राणा सांगा ने लगभग बाबर को हरा दिया था, भाग गया था बाबर, जैसे तैसे करके जीता है फिर बाद में बाबर। तो राणा सांगा को जहर दे दिया गया था बाद में अपने किसी इंसान ने, अपने किसी बंदे ने। विश्व का तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील में स्थित है, तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस एक झील में, एक लेक में, तो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कश्मीर के खूबसूरत शहर श्रीनगर में स्थित है, जो कि डल लेक में है। किसमें है, डल लेक में है। तो ये देख लेना, आया होगा शायद से क्वेश्चन, आया ही था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किसके बीच में है, या तो ईयर पूछा गया होगा, या कुछ प्रीमियम वगैरह पूछा गया होगा, या उसका लाइफ कवर पूछा गया होगा। तो भाई 18 से 50 साल के लोगों के लिए है, प्रीमियम उसका 330 रुपये एनुअल जाता है मात्र, लाइफ कवर है 2 लाख का लाइफ कवर दिया जाएगा। लाइफ कवर कितना दिया जाएगा, 2 लाख का लाइफ कवर आपको दिया जाएगा। जैसे एक 12 रुपये वाली स्कीम चल रही है, वैसे ये वाली स्कीम है। बाकी आप लोग मेरे साथ अन अकेडमी पर जुड़ने के लिए क्या करेंगे, मेरा कोड यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, मेरा कोड यूज़ करेंगे, जो हमारा कोड है वो है आपका अनादि 10। मेरा जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग मेरा कोड बनाया हुआ है, अनादि 10, ठीक। तो ये आप यूज़ ज़रूर कीजिए और सिलेक्शन तक अपना नज़दीक जाइए सिलेक्शन के लिए, ठीक। अनादि 10 ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी हैप्पी होली तो आपके लिए है ही है। तो इस तरह के जो और एग्ज़ाम होंगे उसका मैं एनालिसिस आगे लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। पुराने भी मैंने 2 एनालिसिस किए हुए हैं, 2-3, उनको भी बेटा आप लोग अच्छे से देखिए, प्यार दीजिए अपना। बाकी मेरी जो क्लासेज हैं, मैं एक बार, बच्चे बोल रहे थे सर क्लास का टाइम बता दो, तो मेरी रेगुलर क्लास जो चल रही है आपके, अगर हम यूट्यूब की बात करें तो वाईफाई स्टूडियो पे है आपकी 6:30 से, ठीक है, हाँ। और वाईफाई स्टूडियो 2.0 जो होता है उस पर हमारी होती है 8 बजे से, 8 PM से। तो ये क्लासेस कीजिए, बाकी अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो उस पर जुड़ने के लिए आप लोग अनादि 10 कोड का यूज़ कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अच्छे से किसी फिर सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। 6:30 वाली जो क्लास है और 8 वाली क्लास यथास्थान अपने टाइम पर चलती रहेगी। चलिए, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली तो है ही, चलती रहेगी वो भी एक हफ्ते तक।